हेलो क्लास नाइन्थ, हम लोगों ने पॉलीनोमियल में डी एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर फिफ्थ तक कंप्लीट कर लिए थे ना। हाँ, तो हम लोग किस बुक से पढ़ रहे हैं, लोगों को मन में शंका चलती रहती है, तो हम बता देते हैं आपको बीच बीच में कि हम लोग आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एग्जाम्पल पाँच डी एक्सरसाइज टू डी एक्सरसाइज का कम्प्लीट हो गया था। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर सिक्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आप अटेंडेंस दे दीजिए आने की। आप सभी लोग आ गए होंगे, सब लोग जुड़ गए, और अटेंडेंस दे दीजिए सबसे पहले। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। पहले लाइक करिए, फिर उसके बाद हम आगे कहानी शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से फटाफट सभी लोग। अब आइए सर, एग्जांपल नंबर सिक्स। अच्छे एग्जांपल सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ, पाँचों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जाम्पल्स में है। भले टाइम लगेगा लेकिन उनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। लिखा विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं यूज करना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन को एक्चुअल वाला यूज मत करिए, आप बोल दिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कंडीशन अप्लाइड। क्या करना है, प्रूव करना है कि 2 की पावर 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज Divisible by x square minus x minus 6, नहीं सर प्लस x माइनस 6। मतलब आपको ये प्रूफ करने का आ गया, प्रूव दैट, यहां लिख भी देते हैं, लिख देते हैं प्रूव दैट x की पावर, प्रूव दैट x की पावर 4 प्लस 3x square x cube माइनस 12x square माइनस 7x प्लस 4 x डिविजिबल बाई। अब इस बार की जो डिविजिबिलिटी है gx, पहले तो px और gx डिसाइड कर देते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं तो px हमारा पहले डिसाइड हो जाएगा, क्या है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ px। एंड व्हाट इज द gx, gx इस बार थोड़ा अजीब तरीके से दे दिया हमें, अभी तक ऐसे नहीं देते थे, अभी तक लीनियर देते थे, उधर क्वाड्रेटिक gx दी है, परेशान नहीं हुई, समझिए जरा। अब gx कैसा है क्वाड्रेटिक, तो कुछ मत करिए, आप इस gx के फैक्टर करिए, पक्का फैक्टर होंगे करिए, फैक्टर सीख चुके, छह कैसे दो फैक्टर इनका डिफरेंस एक हो, तो 3x माइनस 2x माइनस 6 क्या आएगा, x x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3, दोनों से ओवरऑल कॉमन करेंगे x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 2, यानी gx की वैल्यू वास्तविकता में ये ऐसे दिख गए। अब जरा समझिएगा ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा, px is divisible by gx, px अगर gx से divisible है तो इसका मतलब है वो तभी divisible होगा जब इससे और इससे दोनों से divisible हो जाए। अगर इससे divisible है, gx से divisible है, तो इससे और इससे अगर दोनों से divisible प्रूफ कर दें, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि px हमारा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि प्रूफ दैट थ्री से और सिक्स से डिविजिबल है, थ्री से और सिक्स से डिविजिबल है, मतलब इसको यह कहा जाए कि आप प्रूव करिए कि 18 से डिविजिबल है, 18 तो सीधे 18 से तो कट ही रहा है, लेकिन अगर हम इसको ये न कहें कि 18 से ले जाए, ऐसे कहेंगे नहीं सर ये 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 100% 18 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ कह सकते हैं, ऐसी बात तो वही बात है, मतलब पूरा कंबाइंड नजर करके हम इसके टुकड़े देख लें। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये px, ये px इससे डिविजिबल है, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए ये px x प्लस 3 से भी डिविजिबल है और x माइनस 2 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, px will be exactly divisible by gx only when it is divisible by px is exactly divisible by gx, exactly divisible by gx when it is divisible by x plus 3 and x minus 2, जब x plus 3 x minus 2 से divisible हो जाएगा तो ये हमारा px भी divisible हो जाएगा। तो आइए सर, अब आपको क्या करना है, आपको इससे भी divisible प्रूफ करना है और इससे भी divisible प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब डबल काम हो गया और क्या। तो आइए सर, तो फैक्टर थ्योरम का यूज कर लेते हैं, है ना, फैक्टर थ्योरम का यूज कर लेते हैं। कैसे, एक बार हम px में क्या करना है, पुट, अब हमारा एक बार इसको लीजिए, पुट
एक्स इज इक्वल टू कितना, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इन पी एक्स, पी एक्स में माइनस थ्री, तो पी माइनस थ्री की वैल्यू निकल आएगी यहां और डिविजिबल बाय व्हेन, व्हेन यहां लिख दे रहे कंडीशन लिख दी, व्हेन पी माइनस थ्री की वैल्यू जीरो आ जाए एंड पी टू की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो इसका मतलब हम कह देंगे कि हाँ एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर ये कंडीशंस आ गई पी माइनस थ्री की वैल्यू पी टू की वैल्यू, भाई अगर ये इसका फैक्टर है डिविजिबल है तो इससे एक्स की वैल्यू तीन निकलेगी, वो उठा के पी में रखें पी एक्स में रखेंगे वैल्यू अगर जीरो आ गई तो डिविजिबल, फिर इससे वैल्यू टू निकलेगी उठा के उसमें रखेंगे अगर वैल्यू जीरो आ गई तो उसका मतलब डिविजिबल, तो वही काम कर रहे हैं पुट कर दिया एक्स इक्वल टू थ्री पी एक्स, तो पी माइनस थ्री की वैल्यू जरा निकाली कितनी वैल्यू आएगी, टू एक्स की पावर माइनस थ्री की पावर चार प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री, बारह इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर सेवन इंटू माइनस थ्री और प्लस सिक्स, कैलकुलेशन करिए तीन त्रिका नौ त्रिक सत्ताईस लेकिन इक्यासी, तो ये पॉजिटिव इक्यासी आएगा एट्टी वन माइनस तीन गुणे सत्ताईस, माइनस आगे कर दिए प्लस को माइनस कर दिए ठीक है। हाँ जरा देखिएगा ध्यान से, ये तीन त्रिका नौ ये माइनस नौ बारह गुणे नौ और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्कीस प्लस छः, अब जरा कैलकुलेशन करते हैं ये इक्यासी एक सौ बासठ हो गए माइनस इक्यासी आ गया और बारह नौ एक सौ आठ, एक सौ आठ हो गया प्लस इक्कीस हो गया प्लस छः हो गया, जोड़ दीजिए जरा ये जोड़िए इसको इसको जोड़िए, ये तो हमारा सीधे सीधे दिख रहा है कितना हो जाएगा माइनस का एक सौ नवासी एट्टी नाइन। अब देखो छः एक सात सात दो नौ, नौ ये हो गया फिर दो ये और आठ ये भी एक सौ नवासी, वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई, दिख रहा है नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा झुका दिया देख लीजिए वैल्यू जीरो आ रही है ना, हाँ देख लिए ना वापस वैसे जा रहा है क्या करें थोड़ा सा समस्या होती तो करना पड़ता मैनेज। चलिए जीरो आ गई वैल्यू पी थ्री वैल्यू, अब ऊपर देखिए यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू कितना टू, तो पी टू की वैल्यू निकालना है, पी टू कितना आ रहा है जरा देखिए ध्यान से, पी टू टू की पावर टू इंटू दिख गया ना नीचे वाला, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें इतनी में कोई दिक्कत नहीं ठीक है बढ़िया है समझ में आ गया होगा, अब आई सब ऊपर दिख रहा है हाँ ठीक है देख लीजिए ध्यान से। चलिए तो पी टू टू की पावर फोर प्लस थ्री इंटू टू की पावर थ्री, बारह इंटू टू का स्क्वायर सेवन इंटू टू प्लस छः कितना आएगा, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, टोटल बत्तीस हो गया है भाई कितना, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ फिर चौबीस हो गया माइनस ये भी चौबीस हो गया नहीं अड़तालीस हो गया, बारह चौक अड़तालीस माइनस सात दूनी चौदह प्लस छः जोड़ लीजिए बत्तीस और ये तीस बासठ हो गया, बासठ माइनस बासठ बराबर जीरो। क्या देखा आपने क्या लिखेंगे यहां पे, सिंस पी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड पी टू इज इक्वल टू जीरो, हेंस अब देखो दोनों की वैल्यू जीरो आई है, हेंस पी एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस एक्स माइनस टू है ना, इसी को और करके अगर लिखा जाए तो हेंस पी एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, भाई इन दोनों के फैक्टर्स का भी प्रोडक्ट कर देंगे तो बात तो वही दिख गई। तो ये सवाल देखिए इसमें क्या था, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने की वजह से आपको थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ गया है ना, हाँ भाई देखिए hence px is divisible by x plus 3 and x minus 2, इसी चीज को ऐसे ही कंबाइन करके hence px is divisible by, अगर कोई नंबर इन्हीं दो नंबर से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से जो डिविजिबल होता है, हाँ होता है, अब इसी चीज को अगर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऐसे लिख जाएगा px is divisible by x square minus a plus x minus 6, गुणा कर लीजिए दोनों ब्रैकेट का ये वैल्यू आ जाएगा। ये सवाल बहुत अच्छा है बेटा समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल आप मान लीजिए इसको, अब यहाँ से जो सवाल शुरू हुए इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा अच्छे से तैयार करने हैं आपको, नोट करिए ठीक से नोट करिए, भले तीन सवाल चार सवाल हों एक वीडियो में परेशानी वाली कोई बात नहीं आनी चाहिए, इनको अच्छे से नोट करिएगा ठीक से बिल्कुल दिखाई दे रहा है विधिवत, हाँ परेशान नहीं हुई देखिए ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखना पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन सेवेंथ तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी, फिर से आ गया है फिर से दोबारा करेंगे,
हो गया, हो गया। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालने को बोला जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। सो दैट टू एक्स क्यूब, टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट हैज एक्स प्लस टू एंड टू एक्स माइनस वन एंड 2x minus 1 as factor. अब इन्होंने साथ find a and b, find a and b, a और b निकालना है, find a and b, so that यहाँ लिखा है so that 2x cube plus ax square plus x plus b has x plus 2 and 2x minus 1 as factor, as factor. बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक से नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, जल्दी फटाफट नोट करिए। सवाल तो दिखी पे मिली है, आप जरा समझिए यहां से, अगर ये फैक्टर है जिसका ना डिविजिबल है फैक्टर, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सिंस, यहां लिखिए पहले सिंस x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका नाम दे दीजिए यहां पे, यहां एक लाइन छोड़ी है, पी एक्स पहले लिख दीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, देन of px, then इसको जब जीरो करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू कितनी निकलेगी, इतनी बात तो समझ गए होगे ना कि जीरो बोलने का मतलब ये होता है x की वैल्यू माइनस टू निकलेगी, तुरंत बताया करो बेटा, हाँ बोला करो, हमें सुनाई देता वहां से, तो x इक्वल टू कितना निकला माइनस टू, देन p माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये मतलब हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अगर ये इसका फैक्टर है तो p माइनस टू की वैल्यू जीरो होगी, और दूसरी लाइन क्या दी गई है, टू एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन क्या मतलब निकला, पी इसको मान लें जीरो करो तो एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, वन बाई टू निकलेगी, पी वन बाई टू की वैल्यू भी जीरो दी गई है, सवाल ये गिवन है आपको सर, ये हम नहीं कह रहे सवाल में क्वेश्चन गिवन है, लैंग्वेज में पढ़िए तो ये मतलब निकल आया। अब आपको यही काम करना है, एक बार पी माइनस टू की वैल्यू से एक इक्वेशन बनानी, एक पी वन बाई टू से एक इक्वेशन बनानी, दोनों से काम हो जाएगा। आइए सर यहीं बनाते हैं, पी सिंस पी माइनस टू इक्वल टू जीरो, p माइनस टू की वैल्यू यहाँ से निकाले क्या निकलेगी, x के प्लेस पे p रखो, x के प्लेस पे 2 रखिए, 2 इंटू टू माइनस टू का क्यूब, a इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस b, हमेशा ब्रैकेट लगा के लिखने की आदत डालिए, जब भी माइनस का साइन का टर्म हो ब्रैकेट लगा के लिखा करिए, माइनस का क्यूब करेंगे 8 आएगा, माइनस का 8 यहाँ कितना आएगा, a इंटू 4 ये कितना आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, आगे भेज दिया माइनस प्लस b बराबर 0, इसको कैलकुलेट करिए, माइनस 16 आठ दूनी 16 माइनस का 16 प्लस का कितना 4a माइनस का 2 प्लस का b बराबर 0, डायरेक्ट लिखिएगा तो 4a प्लस b इसको जो 18 इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो इधर आ गए। अब इधर लिख देते हैं p1 by 2 की वैल्यू बराबर 0 की, p1 by 2 की वैल्यू 0 करिए, करिए करिए करिए, तो यहाँ कितना आएगा, p1 by 2 is equal to 2 into 1 by 2 का क्यूब, a into 1 by 2 का स्क्वायर प्लस 1 by 2 plus b, calculation, कितना आएगा, 2 into 1 बटे 8 plus a upon 4 plus 1 by 2 plus b, देखो यहाँ गलत काम कर रहे हैं, मतलब इसको बराबर 0 लिखना चाहिए, इस वैल्यू निकाल लें, गलत काम तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है, 1 by 4 आएगी plus a by 4 है plus 1 by 2 है plus b बराबर 0, पूरी लाइन में 4 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पूरी लाइन में 4 से मल्टीप्लिकेशन, जब इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे a आएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 आएगा, इसमें 4b हो जाएगा बराबर 0, तो a plus 4b बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मात्र इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर दे दिए, काम खत्म करिए, हमारा कोई मतलब ही नहीं फिर बीच में, जल्दी बोलिए सॉल्व कर पाएंगे, बोलो कर लेंगे और क्या, बैलेंसिंग आती है सब चीज आपको सिखाया गया हो कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करें, हाँ चलिए एलिमिनेशन, ये इक्वेशन ऐसे निकली, पहली वाली इक्वेशन ऐसे निकली 4a plus b बराबर 18 ऐसे लिखी, इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे लिख रहे हैं, तो 4a plus 16b minus 12, 4 का मल्टीप्लिकेशन करा पूरी लाइन में, अब माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये कितना है माइनस का 15b बराबर 30 के, तो b बराबर कितने के,
ओके बी की वैल्यू निकल आया। अब बी की वैल्यू उठा के कहीं रख लीजिए, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट 4a प्लस 2 बराबर 18, b की वैल्यू रख दी तो 4a बराबर 16, तो a बराबर कितना आ गया 4, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है, नहीं माइनस 2 है, गलत लिख दिया, माइनस पता नहीं इधर की तो आए, हाँ a की वैल्यू कितनी आई, कुछ गलत हुआ क्या, अच्छा माइनस 2 थी वैल्यू, गलत रख दी ना, माइनस 2 वैल्यू रखोगे, माइनस 2 रखोगे तो 20 हो जाएगा ये, अब 20 होगा तो 5 वैल्यू दे करेगी, a की वैल्यू 5 आएगी, b की वैल्यू माइनस 2 आएगी, चेक करिए, बहुत अच्छा सवाल है, प्लीज नोट इट, अच्छे से नोट करिए, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्टेड करिए इसको भी, ये ए बी वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, समझना और पढ़ना भी है, ध्यान भी देना है, नोट करिए ठीक से, टेक योर टाइम, नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए, कोई विलंब नहीं करें और नोट करते जाइए, बिल्कुल नोट करिए, एक एक चीज को नोट करिए ठीक से, फिर हम आठवें नंबर पर चलते हैं, कोशिश करेंगे कि पांचवी एग्जाम्पल हो जाए, नहीं भी हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, धीरे धीरे हो ही जाएगा, आज नहीं कल कंप्लीट हो जाना है ना, हाँ चल आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े, मिटाए, मिटा दें इसको, मिटा दें, क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फाइव एक्स प्लस टू, इसको पी एस नाम डाल देते हैं बार बार, है ना, आप क्वेश्चन किताब से पढ़ लीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू हैज हैज x प्लस टू एज फैक्टर, एज ये फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, बोला है ठीक है, ये इसका फैक्टर है ठीक है, अच्छी बात, एक एक बात को समझते चलिए, एंड एज फैक्टर, एज ए फैक्टर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 12 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस टू, और जब हम कह रहे हैं इसको x माइनस टू से डिवाइड करते हैं, और इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, पहले तो ये बोला कि पी एक्स का ये फैक्टर है, तो पहले तो इतनी बात समझ लेते हैं, इसी लाइन को समझ लेते हैं, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू हैज एक्स प्लस टू एज ए फैक्टर, ठीक है, बोले भैया इतनी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, क्या लिखेंगे, सिंस एक्स प्लस टू इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो दिस इंप्लाइज पी माइनस टू बराबर जीरो, हाँ बिल्कुल सही सर, अगर फैक्टर है तो वैल्यू जीरो आएगी, अगर फैक्टर नहीं है तो या तो रिमाइंडर छोड़ेंगे तो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा बस, चलिए p माइनस टू की वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, यहाँ पे यहाँ पुट कर दोगे x के प्लेस में माइनस टू, तो a माइनस टू का क्यूब प्लस b इंटू माइनस टू का स्क्वायर और 5 इंटू माइनस टू और प्लस टू बराबर जीरो, इक्वेशन सॉल्व करिए, माइनस 8a, माइनस का तीन बार होना तो दो माइनस आएगा, 8 का तीन बार मतलब 2 का तीन बार तो 8 आ गया, 8a और प्लस 4b, 5 गुणी 10 प्लस 2 बराबर जीरो, क्या वैल्यू आएगा, माइनस का 8a प्लस का 4b बराबर माइनस 12, पूरी लाइन में देखो दो किसी चीज से डिवाइड हो रहा है, माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसमें माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो b बचेगा, इसको माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के तैयार हो जाएगी आपको, अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, सेकंड लाइन क्या बोली है, उसके बाद बोल रहे हैं कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 12, नहीं व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इट लीव्स रिमाइंडर 12, तो ये कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, When px is, अब यहां पे लिखिए, when px is divided by x minus 2, then gives remainder कितना 12 है ना, हाँ 12, क्या मतलब हुआ, इसको मन में जीरो के x की क्या वैल्यू मिली, 2, तो p2, अब रिमाइंडर अगर छोड़ रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो डिवाइड फैक्टर होता है, और रिमाइंडर अगर छोड़ रहा है तो फैक्टर तो नहीं है ये बात तो, लेकिन कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, दोबारा 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 कर दीजिए भाई, जब एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो वैल्यू जीरो नहीं आएगी क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा है, कितना रिमाइंडर दे रहा है, पी टू, ये आपने पढ़ा है सर रिमाइंडर थ्योरम वगैरह में, पी टू वैल्यू 12 बराबर कर दीजिए, चलिए जरा पी टू निकालिए जरा, यहाँ से ए इंटू टू का क्यूब बी इंटू टू का स्क्वायर टू
प्लस टू बराबर 12 की कैलकुलेशन 8 ए आएगा 8 ए 4 बी माइनस का 10 प्लस का 2 बराबर 12 के ये माइनस का 8 बचे उधर जाएगा प्लस का 8 बन जाएगा तो 8 ए प्लस 4 बी बराबर कितने के 20 के 4 से डिवाइड कर दिया 4 2 ए प्लस बी बराबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए 2a माइनस बी इक्वल टू 3 2a माइनस बी इक्वल टू 3 और 2a प्लस बी इक्वल टू 5 अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कैसे सॉल्व करेंगे हम बड़े सिंपल तरीके से 2a माइनस बी इक्वल टू 3 और 2a प्लस बी इक्वल टू 5 दोनों जोड़ दीजिए सीधे कट जाएंगे 4a बराबर 8 के तो a बराबर 2 के अब a की वैल्यू किसी एक में रख लीजिए तो बाई इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं इस जगह से यहाँ थोड़ा बीच में काम कर दिया है होमवर्क बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस बी इक्वल टू 3 के 4 माइनस बी बराबर 3 के तो माइनस बी बराबर 4 माइनस 3 माइनस 4 के तो माइनस बी बराबर माइनस 1 के तो दिस इंप्लाइज बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी डी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 2 हो जाएगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्लीज नोट डाउन एग्जाम्पल नंबर 8 नोट करिए जल्दी से नोट हो गया आठवें बार नवे एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं ना हाँ धीरे धीरे चलते हैं बड़ा मजा आ रहा है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब मिल रहे हैं नए नए मिटा दी मिटा दीजिए सर बोल दिया करो मिटा दीजिए मिट गया ना हाँ बोला हमने मिटा दिए अब देखो व्हाट मस्ट बी एडेड टू किसमें ऐड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 व्हाट मस्ट बी एडेड क्या इसमें ऐड कर दिया जाए इसमें क्या ऐड कर दें कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हाट मस्ट बी एडेड तो लेट कर ले रहे हैं लेट लैम्डा विल बी एडेड इन एक्स क्यूब माइनस टू दिख रहा है ऊपर हाँ दिख रहा है माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 15 हमने लेट कर इसमें लैम्डा ऐड कर दें मस्ट बी विल बी एडेड इन या मस्ट बी एडेड कर लीजिए मस्ट बी एडेड इन दिस ठीक है इन दिस ठीक है मानिए हमने इसमें कितना ऐड कर दिया है मस्ट बी एडेड सो दैट इट इज डिविजिबल बाय क्या दिया है x माइनस थ्री ठीक ये मान लिया तो अब हमारा पी एक्स क्या बन जाएगा इसमें एक तरह से पी एक्स हमारा ये बन जाएगा के साथ लैम्डा के साथ ये पी एक्स बन गया अब जी एक्स हमारा क्या है x माइनस थ्री है तो जी एक्स कितना x माइनस थ्री है x माइनस थ्री जी एक्स इक्वल टू जीरो x माइनस थ्री बराबर जीरो x इक्वल टू कितना आएगा तीन आएगा फिर क्या लिखेंगे सिंस एक्स माइनस पी एक्स इज डिविजिबल सिंस पी एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस थ्री तो इसका मतलब क्या हुआ पी थ्री इज इक्वल टू जीरो के एक्स की वैल्यू जीरो करी एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो के तो एक्स इज इक्वल टू कितना है तीन आया तीन उठा के मेरा पी थ्री बराबर जीरो रखो जाए इसमें कितना है तीन है थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर फोर इंटू थ्री माइनस 15 प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो कितना आएगा 27 माइनस 27 प्लस 12 लैम्डा क्या कैलकुलेशन आएगी कट जाएगा माइनस 3 प्लस लैम्डा बराबर जीरो के तो लैम्डा इक्वल टू कितना 3 यानी हम इसमें अगर 3 जोड़ दें इसमें कितना जोड़ दें 3 जोड़ दें इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन तो हमारा जो वो होगा नया पॉलिनोमियल वो एक्स माइनस 3 से डिविजिबल हो जाएगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था प्लीज नोट इट एग्जाम्पल नंबर नाइन ये तो ऐड करने का हो गया हाँ चलिए आगे बढ़िए अब आइए सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन 10वां नंबर है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आप इसको लिस्टेड कर लीजिए कहीं किसी भी तरह से इसको क्या करना है कम नहीं करना है अपने आप से कम नहीं रखना है ठीक है हाँ चलिए सर
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, जीके से पूछा कितना ऐड कर दें, इसमें कह रहे कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, ये डिविजिबल हो जाए, एक पॉलीनोमियल दिया, देखो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम वाली पॉलीनोमियल है, क्योंकि पॉलीनोमियल कैसी है जो डिविजिबल जिस जीएक्स हमारा वो क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये तो दिक्कत वाली बात है भाई, ये दिक्कत वाली बात है, तो जरा समझने का प्रयत्न किया जाए, चलिए करते हैं प्रयत्न, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा px क्या है, px लिख लेते हैं हम लोग इसमें पूछ, अब जरा पहले एक चीज समझिए, जो gx है gx को यहां समझिए, अलग पहले gx = 2x square plus x minus 1, ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है, ये कैसा है क्वाड्रेटिक। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, जब डिविजिबिलिटी पढ़ाई गई होगी आपको 8th में, कभी कभी आप डिवीजन करते होगे, तो जब हमारा जो डिवाइजर होता है तो हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि रिमाइंडर में उससे छोटी पावर ना आने लगे, इसकी पावर कैसी, दो, यानी ये क्वाड्रेटिक है तो जब तक रिमाइंडर में लीनियर फंक्शन नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करेंगे, हाँ ये बात तो पढ़ाई की थी, हम कब तक डिवाइड करेंगे इसको, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी पॉलीनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि उसमें रिमाइंडर में लीनियर फंक्शन ना जाए, लीनियर एक्सप्रेशन ना जाए, फंक्शन नहीं लीनियर एक्सप्रेशन ना जाए, पढ़ा ऐसा, तो वही बात यहां लिखिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा पहले, व्हेन गिवन पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या लिख लेंगे, व्हेन गिवन पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देन द रिमाइंडर, देन इट गिव्स रिमाइंडर एज लीनियर लीनियर एक्सप्रेशन, ये मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ जी लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर। अब लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपसे पढ़ाया गया लीनियर एक्सप्रेशन सच दैट ए एक्स प्लस बी, इस तरह का होता है, हाँ सर। तो इन्होंने क्या पूछा, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें पी एक्स में, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, हम लेट कर लेंगे, लेट लेट ए एक्स प्लस बी मस्ट बी सब subtracted in given polynomial, तो px हमारा क्या बनेगा बेटा, px equal to हमारा बन जाएगा, आप px लिखेंगे नया 4x की पावर 4, बहुत अच्छा 4x की पावर 4 minus 2x cube minus 6x square plus 2x plus 6, और क्या करना subtract to minus ax plus b, ये subtract, ये हमारा px बना लिया, इसको पूरा ऐसे लिखते चले, लास्ट में उसमें माइनस लगा दिया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है बाय, इससे सब्ट्रैक्ट करना है बाय gx is equal to 2x square, कहां लिखा है 2x square, कहीं लिखा था हमने, कहां लिखा, ये लिखा है, ये लिखा है इस नीचे 2x square plus x minus 1, ठीक। अब जरा एक चीज बताइए, 2x square x minus 1 इसके फैक्टर हो रहे हैं सर, क्या फैक्टर आएंगे, डायरेक्ट कर दे फैक्टर, डायरेक्ट लिख दिया फैक्टर, एक आएगा x plus 1 और एक आएगा 2x minus 1, हाँ, अब ये सर आपने कैसे लिखे, सर डायरेक्ट नहीं लिखा बेटा, प्रोसेस करके लिखिए, आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा, आप यहाँ देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आएगा, 2 कैसे दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस एक हो, क्या कितना आएगा 2x माइनस x प्लस माइनस 1, इसमें 2x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा, इसमें माइनस 1 कॉमन आएगा फिर x प्लस 1 आएगा, दोनों से ओवरऑल कॉमन आएगा x प्लस 1, और यहाँ कितना आएगा 2x माइनस 1, देखिए लिखा हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप ही काम चला सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था कि अगर कोई पॉलीनोमियल किसी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से डिविजिबल है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको दोनों अलग अलग डिविजिबिलिटी लिख देनी है, बस बिल्कुल सही है, px is will be divisible by gx only when it is divisible by px is divisible by gx only when it is divisible by x plus 1 and 2x minus 1,
अच्छी बात है, मतलब समझदारी का काम करिएगा। इसका अगर इससे डिविजिबल है, अगर इससे डिविजिबल है तो क्या मतलब हुआ? अब देखो, हेंस p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड p वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। हेंस नीचे लिख दिया हमने डायरेक्टली, इसको मन में जीरो किया, हाँ किया, तो x की वैल्यू वन आई, तो p माइनस वन की वैल्यू जीरो होगी, और टू x को माइनस वन को जीरो किया तो x इज इक्वल टू वन बाई टू, इसकी वैल्यू जीरो। अब दोनों से इक्वेशन बना लीजिए, उन इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, p माइनस वन की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कैसे निकलेगी सर? x के प्लेस पे माइनस वन लिखेंगे, लिखो तो 4 इंटू माइनस वन का पावर 4, 2 इंटू माइनस वन की पावर 3, 6 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस वन माइनस 6, सॉरी प्लस 6, माइनस ए और x की जगह माइनस 1, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, मंजिला लगा लिया, प्लस b इज इक्वल टू 0, या लाइन खींच लीजिए थोड़ा सा और आगे से, यहाँ पर लिख लीजिए भाई क्या करेंगे, बी लाइन है। अब कैलकुलेशन करो जरा इसका, क्या आएगा? ए की पावर 4 प्लस की वैल्यू वन आएगी, वन इंटू चार चार आएगा, माइनस आएगा प्लस दो हो जाएगा, ये माइनस वन आएगा प्लस वन कर देगा माइनस छः, ये पूरा पूरा खत्म हो गया, जोड़ते जाइए, माइनस टू आया आ गया, प्लस सिक्स आ गया है ना, यहाँ पे आइए माइनस का ए आएगा, ब्रैकेट लगाया माइनस का ए प्लस का बी बराबर जीरो। अब जरा काम करिए, ये कितनी वैल्यू देगा? प्लस चार प्लस ए माइनस बी बराबर जीरो, ए प्लस माइनस बी बराबर माइनस चार, इक्वेशन एक तैयार। इधर आइए सर, इसको जब इसमें रखेंगे कितनी वैल्यू देगा? 4 इंटू वन बाई टू की पावर 4, 2 इंटू वन बाई टू की पावर 3, 6 इंटू वन बाई टू का स्क्वायर, 2 इंटू वन बाई टू चेक कर लीजिए, प्लस 6 माइनस ए इंटू वन बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, क्यूब करेंगे 4 पावर 2, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 नीचे 8 आएगा, कितना आएगा 6/4 बन जाएगा, ये कितना बनेगा 2/2, यानी 1 प्लस 6 माइनस अंदर खोलेंगे माइनस ए बाई टू माइनस बी बराबर जी होगी। बहुत धुआंधार काम करवा रहे सर, चलिए कैलकुलेशन करिए, ये कितना हुआ 1/4, ये भी कितना हुआ 1/4, ये दोनों बातें खत्म हो रही, देख लो ध्यान से, ये दोनों बातें खत्म, 1/4 बचा, हाँ सर 1/4 माइनस 1/4 खत्म हो जाएगा, ये लाइन या कितना आया 3/2 माइनस का 3/2 प्लस का ये और ये जुड़ गया प्लस 7 प्लस 7 माइनस ए बाई टू माइनस बी बराबर जीरो, ये कट गया, हाँ कट गया। अब जो बचा उसको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लिख दीजिए, माइनस का ए बाई टू माइनस का बी, हाँ जी 3/2 साथ में जब जुड़ेगा घटेगा कुछ देगा, कितना देगा भैया यहाँ देख लीजिए, माइनस का 3/2 और 7 जोड़ घटा रहे हैं तो 2 एलसीएम आएगा, 14 माइनस 3/2 यानी 11/2 बचेगा, प्लस का 11/2 उधर जाएगा, माइनस का 11/2 हो जाएगा, माइनस का 11/2 पूरी लाइन में 2 का गुणा करा लिया जाए, किसका गुणा कराए 2 का गुणा, तो 2 का गुणा कराएंगे क्या लाइन आएगी, दिख रहा है बेटा, हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है सर, माइनस का ए आएगा, आएगा माइनस का 2b आएगा, 2 का गुणा कराएगा माइनस का 11 आएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको बेटा, कहाँ सॉल्व करें जगह नहीं है, यहाँ सॉल्व करने का है, ए माइनस बी बराबर माइनस 4 और यहाँ लिखा माइनस ए माइनस 2b बराबर माइनस 11, देख लीजिए चेक करिए जल्दी से, जल्दी फटाफट देखिए, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस 11 उसके और ए प्लस 2b इक्वल टू, ठीक है हाँ। अब जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके कट गया, ये कितना हो माइनस का 3b हो गया और ये कितना हो माइनस का 15, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, बी की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू उठा के कहीं रख लो, यहाँ रख लिया बाई इक्वेशन फर्स्ट ए माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 के, ए इज इक्वल टू कितने के, माइनस 4 प्लस 5 यानी 1 के, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये देखो यहाँ सॉल्व किया, इसको हटाओ, ये बीच में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको हटाइए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ये और बी की वैल्यू मिल गई, तो आपने लेट जो किया तो उस पर चलो, लेट ए एक्स प्लस बी मस्ट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड इन पॉलीनोमियल, अभी ए और बी की वैल्यू यहाँ रखिए तो फाइनली आंसर लिख पाएंगे हम लोग, है ना, कहाँ लिखा जाए नोट कर लें तो फिर बताएं, हम लिख दें उसको, इसको नोट करें, फिर ये साफ करें, इतना इतना इसको नोट करिए पहले, इतना पढ़ाते ए और बी की वैल्यू निकल आए, ए बराबर 1 और बी बराबर 5, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 5, नोट करिए जल्दी से, मिटा दीजिए इसको, यहाँ मिटा दीजिए सर, ये मिटा दीजिए आप ऊपर वाला। अब आइए सर, ए और बी की वैल्यू कहाँ रखें जो लेट किया था ए एक्स, हेंस ए की जगह कितना 1 और x की जगह ए एक्स रहा, बी की वैल्यू 5, हेंस
x plus 5 must be subtracted in given polynomial. लिख लेना लैंग्वेज सबको, इतना मस्ट भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपका काम. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 100% आप मान के चलिए पेपर में मिलेगा, या तो एनुअल में या फेल में, कहीं ना कहीं मिलना मिलना है आपको. 100% इसको तैयार करिए. ठीक है, तो एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए. अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे. नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो भी सवाल होंगे उनको करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना. हाँ चलिए, ओके थैंक यू. वीडियो को लाइक कर दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए.